सबसे झटपट बनने वाली रेसिपी कौन सी होती है आपको पता है? वो होती है ब्रेड अंडा की रेसिपी। तो आज की हमारी रेसिपी है ब्रेड अंडा। तो चलिए हमें इसमें क्या क्या चाहिए जानते हैं। जिसके लिए मैंने ले लिया है धनिया, प्याज, मिर्च, दो अंडे और कुछ मसाले। तो हम एक अंडा ले लेंगे और उसे तोड़ लेंगे। तोड़ लेने के बाद धनिया के पत्ते डाल लेंगे, प्याज डाल लेंगे और मिर्च के कुछ टुकड़े ऐड कर लेंगे। धनिया ऐड करने से इसमें कलर बहुत ही अच्छा आता है। जब हम लोग ऑमलेट बनाते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी कलर इसमें दिखने लगती है। तो इसे हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि एग भी बड़ा बने। अब इसमें हल्दी डाल लेंगे, उसके बाद गरम मसाला डाल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, तवा लेंगे, उसमें एक चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें एग का घोल डाल लेंगे। इसे भी अच्छी तरीके से फैला लेंगे चारों तरफ ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। अब इसे सब तरफ फैला लिया मैंने। फैलाने के बाद अब इसमें जल्द से जल्द एक ब्रेड का स्लाइस उसमें डाल लेना है। ये मैंने डाल लिया, एक तरफ से उसे चिपकाया और फिर दूसरी तरफ से पलट लिया। अब जब ये ऑमलेट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसे पलट लेती हूँ। पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी ब्रेड को मैं अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। गोल्डन ब्राउन होने के बाद ये दोनों तरफ से पक जाएगा। अब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया, अब मैं इसे पलट लूँगी। पलटने के बाद हमारा ऑमलेट रेडी हो जाएगा और इसे हम प्लेट पर सर्व कर देंगे। और हमारी ये झटपट ऑमलेट की रेसिपी रेडी हो जाएगी। मैं इसे हाफ़ कर ले रही हूँ, आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। हमारी ब्रेड अंडा की रेसिपी रेडी हो गई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, एक बार तो ज़रूर ट्राई करके आप भी इसे खा कर देखिए। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्द बनती है। आगे भी ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।